हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एल्कीन की कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। बेसिकली हम इस वीडियो में एल्कीन का जो करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है वो क्यों होता है और क्या होता है ये जानेंगे, और मार्कोनिक ऑफ एडिशन और एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखेंगे। अच्छा, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन भी खराश इफेक्ट बोलते हैं, पराक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं अलग अलग नाम अगर आ जाए तो आप कन्फ्यूज नहीं करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, कोई एल्कीन जो होती है क्या होती है, ये होती है, ठीक है। कोई एल्कीन क्या है, ये है, ठीक। अच्छा, जो पेरेंट एल्कीन होती है उसमें होते हैं चार हाइड्रोजन। कितने होते हैं, चार हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। देखिए, ये हो गया आपके टोटल चार हाइड्रोजन हो गए। इसको बोलते हैं नो सब्स्टिट्यूशन, ठीक। जब भी किसी एल्कीन में जो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उनसे चार हाइड्रोजन आपको दिखाई देते हैं तो उस एल्कीन को माना जाता है कि उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई प्रतिस्थापन नहीं है, ठीक है। अच्छा, यही एल्कीन में से अगर हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें किसी भी एक ग्रुप से, तो देखिए आपको इस एल्कीन में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इस एल्कीन में आपको दिख रहे हैं एक दो तीन। तो इस केस को बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक है। एग्जैक्टली सेम तरीके से अगर आप दो हाइड्रोजन हटा दें तो ये हो जाता है डाई सब्स्टिट्यूटेड, और फिर अगर तीन हटा दें तो ये हो जाता है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, और अगर आप चार के चारों हटा दें तो क्या हो जाता है, ये सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। तो नो सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल पेरेंट एल्कीन है, नेकेड एल्कीन बोलते हैं इसको। ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो गई, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गई, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो गई, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। मोनो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एकल प्रतिस्थापित, द्विप्रतिस्थापित, त्रिप्रतिस्थापित और चतुष्प्रतिस्थापित, ठीक है। चलिए, अब अगर इन एल्कीन्स की स्टेबिलिटी की बात की जाए, अस्थायित्व का जो क्रम है, ठीक है, स्टेबिलिटी, ठीक है, तो यहां पे जो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर आपका ट्राई है, फिर डाई है, फिर मोनो है, और फिर आपका नेकेड, नेकेड एल्कीन, ठीक है। मतलब क्या कहने का, सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, फिर ये है, ये है, ये है। मतलब आप नीचे से ऊपर आएंगे तो आपको स्टेबिलिटी घटती हुई दिखाई देगी, ठीक है। नीचे से ऊपर आने पर स्टेबिलिटी घट रही है। तो क्या कहने का मतलब है, अगर किसी एल्कीन से आप चार के चारों हाइड्रोजन निकाल के एल्कीन ग्रुप लगा देते हैं तो एल्कीन ज्यादा स्टेबल हो जाती है। अगर तीन लगाते हैं तो एल्कीन थोड़ी सी कम स्टेबल होती है, दो ग्रुप लगाते हैं, दो एल्कीन ग्रुप लगाते हैं तो थोड़ी सी और कम स्टेबल होती है, कम स्थायी होती है, एक लगाते हैं तो और कम हो गई, और कोई भी एल्कीन ग्रुप नहीं लगा है, चार के चारों हाइड्रोजन है आपके पास तो वो एल्कीन स्टेबल नहीं होती है। मतलब सबसे कम स्टेबिलिटी होती है उसकी, होती क्यों नहीं है पर सबसे कम स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। तो टेट्रा सब्स्टिट्यूट सबसे ज्यादा स्टेबल, ट्राई उससे कम, डाई उससे कम, मोनो उससे कम, और निकेट जो पेरेंट एल्कीन है वो सबसे कम स्टेबल होती है। ये जो लॉजिक है इसके पीछे वो क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन का होता है। तो आपको पता होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है पता होगा, अति संयुग्मन बोलते हैं हिंदी में। अच्छा, ये जो रूल है कि टेट्रा इज मोर स्टेबल देन ट्राई एंड दिस इज मोर स्टेबल देन डाई एंड दिस इज फर्दर मोर स्टेबल देन मोनो सब्स्टिट्यूशन, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेट जेफ रूल। क्या बोलते हैं, सेट जेफ रूल बोलते हैं, सेट जेफ का नियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है सेट जेफ रूल कि किसी भी एल्कीन में जितने ज्यादा प्रतिस्थापित समूह होंगे, जितने ज्यादा एल्किल प्रतिस्थापित समूह होंगे वो एल्कीन उतनी ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप होंगे, सब्स्टिट्यूटेड होंगे, उतने ज्यादा वो एल्कीन स्टेबल होगी। चलिए वापस आते हैं, अब देखते हैं एल्कीन का जो करैक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो क्या होता है और क्यों होता है।
देखिए क्या होता है कि एल्कीन के पास एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई। तो एल्कीन का जो एक कार्बन है इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है और एक पाई बॉन्ड बनाया है, ठीक है। अब कार्बन जो होता है, कार्बन का ये मेन टारगेट होता है कि कार्बन बॉन्ड्स टू फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड। कार्बन को बनाने होते हैं 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, नो डाउट, 4 बॉन्ड हर जगह बनाता है कार्बन, पर कार्बन को सबसे जो प्राइमरी टास्क होता है, कार्बन हमेशा चाहता है कि 4 सिग्मा बॉन्ड कंप्लीट हो, ना कि 4 बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पे 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, यहां पे कोई चीज ऐड हो सकती है ना, आसानी से ऐड हो सकती है, और उस एडिशन से, उस योग से आपको 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड मिल जाएंगे, है ना। तो जो एल्कीन्स होते हैं वो योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं, एल्कीन्स एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि अगर वो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई इस पे AB ऐड करते हैं, ठीक है, इसमें मान लीजिए AB ऐड करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 3 सिग्मा है। अब जब AB ऐड करेंगे तो एक A इस पे जुड़ जाएगा और B इस पे जुड़ जाएगा, आप उल्टा भी जुड़ सकते हैं, मैं भी इसके बारे में बात नहीं करता हूं। तो जो बनेगा वो CC, और ये आपको देखिए हाइड्रोजन में लगा देता हूं, और ये आपका B। अब देखिए जो प्रोडक्ट है आपका, उसमें कार्बन के 4 बॉन्ड दिख रहे होंगे, 1, 2, 3, 4, यहां पे कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो यहां से यहां जब चल रहे हैं और एल्कीन पे कोई एडिशन करा रहे हैं, कोई योग करा रहे हैं, तो कार्बन के 4 बॉन्ड मिल रहे हैं, तो कार्बन ये काम करना चाहेगा, कार्बन ये काम करने में बहुत खुशी महसूस करेगा, ठीक है। तो एल्कीन की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, सबसे पहले देखते हैं वो क्या होती है, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? योगात्मक अभिक्रिया यहां पे बोलते हैं। चलिए अब और भी चीजें हो सकती हैं। अब ये एडिशन जो है, ये कैसा एडिशन है, कहीं ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो नहीं है, ठीक है, या फिर कहीं ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो नहीं है, कंडीशंस बन सकती है ना। इलेक्ट्रोफिलिक इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही या नाभिक रागी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रागी, ठीक है। तो दो कंडीशन एल्कीन, चलिए एडिशन रिएक्शन दिखाता है, आपने जान गए, आप जान गए कैसा एडिशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक तो नहीं होता है, नाभिक रागी तो नहीं होता है, या फिर कहीं ये नहीं होता है, तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा रिएक्शन शो करेगा। तो होता क्या है, आप फिर जाइए वापस जाइए एल्कीन, यहां पे क्या ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ठीक है। एल्कीन इज ए इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, एल्कीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं तो न्यूक्लियोफाइल के पास पहले से इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो कौन जाएगा एल्कीन के पास, कौन जाना पसंद करेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, और किसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए होता है, ठीक है। तो एल्कीन के पास इलेक्ट्रोफाइल जाना पसंद करेगा पहले, और न्यूक्लियोफाइल नहीं जाना चाहेगा। तो ओवरऑल आप एडिशन रिएक्शन जो होता है एल्कीन में, वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रागी योगात्मक अभिक्रिया एल्कीन की मुख्य अभिक्रिया होती है। कैसे होती है, एल्कीन बनाना चाहता है, एल्कीन का जो कार्बन है वो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, लेकिन एल्कीन में 3 ही सिग्मा बनते हैं, तो ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये काम चलिए योगात्मक अभिक्रिया हो गई। अब एल्कीन पे कौन ऐड करेगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रागी या नाभिक रागी। तो इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं, तो अगर इसके पास ये जाएगा तो रिपल्सन हो जाएगा, नहीं जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा, जाएगा कौन आसानी से, यही जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। चलिए अब देखते हैं मार्करिंग ऑफ रोल, ठीक है, ये सारी चीजें आपको काम में आएंगे, ठीक है, इस तरह से बताई जा रही हैं, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। मार्करिंग ऑफ रोल ये कहता है जब कोई एल्कीन होती है, ठीक है, जब कोई एल्कीन होती है और उस पर कोई आप एक रिएजेंट जोड़ते हैं, ठीक है, तो रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है,
और निगेटिव पार्ट, है ना, ये अलग अलग कारण जुड़ते हैं। तो ये कहता है मार्कोनी का रूल कि रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है, अभिकर्मक का धनात्मक भाग, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो। क्या मैंने बोला कि मार्कोनी का नियम ये कहता है कि रिएजेंट जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पॉजिटिव पार्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहां पे अगर हम ऐड करते हैं, देखिए तो यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को आप घेर लीजिए। ठीक है, देखिए इसके पास भी दो हाइड्रोजन है, इसके पास भी दो हाइड्रोजन है, तो आप कहीं ले जाइए आपका काम बन जाएगा। तो चलिए मिले चलता हूं, ये देखिए सी डबल सी सिंगल बॉन्ड सी एच 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 एच, तो ये तो पहले से था। अब देखिए एक कार्बन पे हमने जोड़ दिया एच और इस पे जोड़ दिया सी एल, तो आपका प्रोडक्ट हो गया। ये प्रोडक्ट लिखना इतना आसान क्यों था, क्योंकि दोनों ही कार्बन के पास इक्वल हाइड्रोजन थे। अगर यही हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दें, इसे कर दें सी एस थ्री सी एस डबल बॉन्ड सी एस टू, तो अब अगर एस सी एल कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, देख रहे हैं। अब देखिए वापस आते हैं, क्या है कि मार्कोनी का एडिशन ये कहता है कि पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन हो, है ना। मार्कोनी का एडिशन ये कहता है कि पॉजिटिव पार्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन, तो ज्यादा हाइड्रोजन कहां, यहां है, तो पॉजिटिव पार्ट यहां जाएगा और नेगेटिव पार्ट यहां जाएगा। देखिए क्या बना प्रोडक्ट सी एस थ्री सी एच सी एल और ये क्या हो गया सी एस टू और ये एच, ये अलग से दिखा दिया मतलब ये बाहर से जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब एक और रिएक्शन लिख सकता हूं मैं, देखिए जरा ऐसे कर रहा हूं, देख रहे हैं ये क्या है। यहाँ पे अगर हम वाटर का एडिशन करें H2O और यहाँ एक एसिड दे देते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्गीन्स बोलते हैं इसको। अब देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको H+ और OH- मिलेगा, पॉजिटिव पार्टी। अब पॉजिटिव पार्ट को जाना कहाँ है, जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पकड़ लीजिए, देखिए दो कार्बन यहाँ पे आप घेर लीजिए, घेर दिए, एक कार्बन ये है एक कार्बन ये है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, कोई हाइड्रोजन नहीं, क्यों, देखिए इस कार्बन के एक बॉन्ड यहाँ है एक बॉन्ड यहाँ है एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये, चार बॉन्ड यहाँ पे पूरे हैं। यहाँ पे देखिए कितने बॉन्ड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन छिपा हुआ है, अब देखिए चार पूरे होंगे एक दो तीन चार, ठीक है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है यहाँ पे कोई नहीं है, तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, इस वाले के पास जाएगा और निगेटिव वाला कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा एच सी एस थ्री ओ एच, एक एच पहले से था और एक एच जो बाद में आ गया। ठीक है, तो ये आपका मार्कोनी का कंडीशन था। अब ऐसा होता क्यों है, होता इस वजह से है कि जब पॉजिटिव पार्ट जाता है तो पॉजिटिव पार्ट के जाने से कार्बोकेटाइन बनता है, है ना, तो कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल बनेगा वही आपको फाइनल प्रोडक्ट देता है। ठीक है, ये चीजें होती हैं। अच्छा, ये जो आगे जब फर्दर मैकेनिज्म आपको बताए जाएंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि एंटी मार्कोनी का कंडीशन क्या होता है। तो जैसे नाम में बताया मार्कोनी का उल्टा एंटी मार्कोनी, तो जब कोई एल्कीन होती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है और उस पर एक अनसिमेट्रिकल एजेंट जैसे HBr ही, परऑक्साइड इफेक्ट हमेशा HBr के साथ आता है, नोट करेंगे आप, परऑक्साइड इफेक्ट हमेशा HBr के साथ आता है। तो जब कोई एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे HBr का एडिशन होता है पर इन प्रेजेंस ऑफ ए परऑक्साइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ए परऑक्साइड, तो पॉजिटिव पार्ट कहां जाता है, जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास कम हाइड्रोजन हो। ठीक है, जैसे मैं इसको लिखता हूं, देखिए सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू और अगर ये एच बी आर लिखा है और यहाँ पे कोई परऑक्साइड लिखा हुआ है, ये परऑक्साइड हो गया, तो पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को घेरिए जहां पे कम हाइड्रोजन हो। अभी तक क्या रहा था, मार्कोनी का कंडीशन में हो रहा था कि पॉजिटिव पार्ट वहां जाता है जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन था, है ना, लेकिन अब क्या है एंटी मार्कोनी का एडिशन कब होगा, जब HBr होगा एक कहां पे परऑक्साइड होगा, उस केस में पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन होगा, नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये बेसिक चीजें हैं, बता देना जरूरी होता है, सॉरी CH3CH HCH2 और Br, वो मैंने बताया ये काम क्यों हो रहा है, ये काम इस वजह से हो रहा है क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल जाता है H+ जाता है एक कार्बोकेटायन बनाता है,
वो कार्बोग्रेन जितना स्टेबल होगा वही आपको फाइनल प्रोडक्ट देता है। ठीक है, तो ये चीज़ होंगे। एल्किल में आपको बताया सेटजेफुल, बताया स्टेबिलिटी बताई, इसके बाद मैंने बताया मार्कोनिक ऑपरेशन क्या होता है, एंटी मार्कोनिक ऑपरेशन क्या होता है। मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि मार्कोनिक ऑपरेशन ये होता है कि जब कोई एल्किन पे कोई एक रिएजेंट जाता है तो रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाता है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन हो, और निगेटिव पार्ट वहाँ पर जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन हो। एग्जैक्टली सेम तरीके से एंटी मार्कोनिक का ऑपरेशन हमेशा HBr के साथ ही आ सकता है और किसी के साथ नहीं आएगा, और परऑक्साइड रहेगा, परऑक्साइड इफेक्ट भी वहाँ पर रहता है। और इस केस में जो पॉजिटिव पार्ट है रिएजेंट का वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन, और निगेटिव पार्ट वहाँ जाता है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमेशा होगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन में हमेशा यही रिएक्शन क्यों होता है, मतलब मेनली यही रिएक्शन होता है, बाकी और भी रिएक्शन होता है। तो ये चीज़ थी एल्कीन के बारे में, इतनी बेसिक चीज़ें आपको जाननी जरूरी है कि आपको अगर आगे पढ़ना है तो ये बेसिक हर किसी काम की चीज़ है, आपको जरूरी नहीं है कि इसे काफ़ी देखें, हर किसी काम आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर नहीं कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।